दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वृश्चिक लव राशि फल सितंबर 2022। वृश्चिक राशि वालों, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहेगी सितंबर के महीने में, आइए जानते हैं। दोस्तों लव राशि फल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा लव राशि फल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशि फल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों सितंबर के महीने में दो मुख्य परिवर्तन होंगे। कन्या राशि में सूर्य का प्रवेश होगा 17 सितंबर को और 24 सितंबर को कन्या में शुक्र का प्रवेश होगा। सूर्य कन्या में नीचाभिलाषी हो जाते हैं और शुक्र कन्या में नीच के हो जाते हैं। तो ये दोनों ग्रहों के ये इस तरीके के बड़े बदलाव आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलने वाले हैं। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप में क्या कुछ बदलने वाले हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम इस राशिफल में बात करते हैं जो लोग सिंगल हैं उनकी, उसके बाद में लव लाइफ, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, मैरिड लाइफ और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इन सभी के बारे में बात करने के बाद में वीडियो के लास्ट में आपको बताते हैं तीन राशियों के नाम। अगर उन तीन राशियों में से किसी एक राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए महीना काफी लकी रहेगा। अब बात करते हैं राशिफल की। सबसे पहले बात करेंगे जो लोग सिंगल हैं उनकी। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति बन रही है जिसमें आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके पीछे पड़ेंगे लेकिन आप किसे पसंद करते हैं इस चीज में आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। बहुत ज्यादा आपको भ्रांति रहेगी कि कौन सच्चा है कौन अच्छा है, विश्वास नहीं हो पाएगा। आपके बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति भी रहेगी जिसमें अगर आप किसी के साथ डेट पर भी चले जाते हैं तब भी उसके साथ में आपका अटैचमेंट नहीं बन पाएगा। आपको पहले पसंद होगा जो व्यक्ति, वो इस महीने के लास्ट तक आपको उसी व्यक्ति से बिल्कुल नापसंद वाली स्थिति बन जाएगी। 24 सितंबर के बाद तो ऐसा हो जाएगा कि आपको जिधर नजर देखो उधर जितने अच्छे से अच्छे व्यक्ति जो आपको बहुत कभी आपके क्रश हुआ करते थे, आपको बहुत पसंद थे, उन्हीं से आपको बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। आपको प्यार नाम की चीज से ही भरोसा नहीं हो रहा है। आपको अट्रैक्शन, आकर्षण जैसी चीजें आपको प्रभावित नहीं कर पा रही, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इस चीज में आपको बहुत अजीब लगेगा जिससे कि मुझे कोई पसंद क्यों नहीं आ रहा, अकेलापन परेशान करेगा। वहीं लव लाइफ की अगर बात की जाए तो लव लाइफ में आपके पार्टनर आपको प्यार बहुत देंगे, आपके साथ में बहुत इमोशनल भी रहेंगे, केयर भी करेंगे, लेकिन अब आपके और उनके प्रेम संबंधों में फिजिकल रिलेशन अगर अभी तक नहीं बने तब तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, अगर बन चुके हैं तो आप दोनों के बीच में बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। या आप दोनों लोग पार्टनरशिप लव लाइफ में अगर आप रिलेशनशिप में एक दूसरे से मतलब रोमांटिक बातें करते हैं, फिजिकल सेक्स की बातें करते हैं, अगर ऐसे कुछ बातें करते हैं आप, तब यहां पर आपके लिए फिर भी मुसीबत है, क्योंकि अचानक से वो बातें करने का रुचि, जो मन, जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा आपको भी और आपके पार्टनर को भी, सबसे ज्यादा तो आपको हो जाएगा यहां पर। और आपको जब ऐसा मन खत्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत अगर कम करते थे या बिल्कुल कम करते थे तब तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा करते थे, बहुत डीप करते थे, तो वहां पर आप दोनों के बीच में इसी वजह से झगड़े होंगे कि अब ऐसा क्या हो गया जो बिल्कुल भी ये बातें नहीं होती हमारे बीच में, क्यों नहीं होती हैं, और फिजिकल हम हो चुके हैं पहले तो अब क्यों मना कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक तरह से आपको ऐसा लगेगा कि पार्टनर जो है आपसे पीछा छुड़ाना चाह रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये सब महीने के लास्ट में जाकर के होगा, महीने के शुरुआत में स्थितियां फिर भी नॉर्मल रहेंगी लेकिन लास्ट में जाकर के होगा। लेकिन इन सब के विपरीत स्थितियां, एक स्थिति बहुत अच्छी है कि बातचीत, इन सब के बाद में भी बातचीत बरकरार रहेगी और अच्छी बातचीत रहेगी, बातचीत चलती रहेगी। अगर कोई गलतफहमी बन जाए तो तुरंत उसका समाधान भी निकल आएगा, आप दोनों लोग समझदारी से समाधान भी करेंगे,
और सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि इस महीने में आप अपनी वाणी से, आप अपनी वाणी से ही बहुत सारी चीजें ठीक कर रहे हैं। बुध बहुत आपका ठीक है इस महीने, इसलिए आप बहुत सारी चीजें अपनी शब्दों की शैली से, समझाने की शक्ति से, समझने की शक्ति से, अपनी बुद्धि से आप हर चीज व्यवस्थित ढंग से एडजस्ट करके चल सकती हैं या चल सकते हैं। इसी वजह से ये महीना, और जो सूर्य और शुक्र की युति या जिस प्रकार से सूर्य शुक्र का परिवर्तन, वो आपको उतना प्रभावित नहीं कर पाएगा अगर आप फिजिकल नहीं हुए हैं या ज्यादा रोमांटिक सेक्स की बातें नहीं करते हैं अपने पार्टनर से, तो आपके लिए ये नॉर्मल रहेगा। और अगर बहुत ज्यादा करते हैं तो दिक्कत तो होगी, लेकिन उसे भी एडजस्ट करने की कोशिश आप दोनों करेंगे और आपकी तरफ से ज्यादा दिमाग लगेगा इन चीजों में, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि ये क्यों हो रहा है। मैरिड लाइफ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की अगर बात करें तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनके बहुत ज्यादा पार्टनर जो हैं, बहुत आपको मतलब आपके जो पार्टनर आपको छोड़कर गए हैं, जो आपको धोखा दे गए हैं या ऐसे ही आपकी लाइफ से चले गए हैं या आपने धोखा दे दिया, आपने छोड़ दिया, अब वो दिन रात आपके बारे में सोचेंगे और इस महीने हो सकता है कि वो अपना ईगो छोड़ करके आपको मैसेज कर दें। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपने थोड़ा बहुत प्यार किया, थोड़ा बहुत लगाव हुआ और फिर अलग हो गए, नॉर्मल दोस्त हो करके या थोड़ी बहुत रोमांटिक बातें करके ब्लॉक कर दिया या एक दूसरे से अलग हो गए या ऐसी कुछ बातें बोल दी कि तुम हमारे लायक नहीं, मैं तुम्हारे लायक नहीं, ऐसा कुछ बोल करके अलग हो गए, तो रैंडम वो एकदम से आपको मैसेज कॉल करने लगे। कुछ चीज़ों में परेशान हो सकते हैं आप उस चीज़ को सोच करके, लेकिन इसमें आपके जो एक्स पार्टनर हैं अगर उनका मैसेज आता है आपके पास में, तो ये आपके लिए, आपके मन के लिए, आपके आंतरिक चीज़ों को उथल पुथल कर देगा और आपको डिस्टर्ब कर देगा। इससे आपके पार्टनर को आप पर शक भी हो सकता है, तो आपको इस चीज को बहुत ही स्मूथली हैंडल करना है, ऐसा पता ही ना लगे कि कुछ ऐसा भी हो रहा है आपके साथ में, और उसे भी समझा करके वापस कर देना है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है और आप अपने पार्टनर के साथ में ही मतलब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में गए हैं, तो वहां पर आपकी बातचीत के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन आपकी तरक्की से आपके पार्टनर को जलन हो रही है, एक तरह से लोभ हो रहा है, लोभ आकर्षित कर रहा है। मैरिड लाइफ की बात की जाए तो मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आपसे परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इस पूरे जो महीने में मंगल है वो सप्तमस्त रहेंगे और झगड़ा कराएंगे, बहुत बात बात पर झगड़ा, मतभेद होगा, ऊर्जा, गलत ऊर्जा, एकदम से गुस्सा आना, ये चीजें आपको परेशान करेंगी। आपको जिद्दीपन तो आपके अंदर होता ही है और ये जिद्दीपन को अक्टूर बना देगा, एकदम से हाई वोल्टेज मतलब पकड़ जाना, एकदम से चिल्लाना, एकदम से डांट देना, मतलब आपको अजीब लगेगा कि मैं क्या व्यवहार कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ, लेकिन ये होगा और इससे आपकी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी, आपका कार्य क्षेत्र भी बहुत डिस्टर्ब होगा। आपकी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी मैरिड लाइफ में बहुत सारी तकलीफें लगातार बन जाएंगी इस महीने। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आपको समझाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बहस होगी इस महीने, और बहस से ज़्यादा सबसे बुरी स्थिति ये होगी कि आपके पार्टनर आपके साथ में ऐसे पेश आएंगे जैसे कि आपसे उन्हें बहुत सारा फायदा है और वो फायदा आपको उन्हें मिल नहीं पा रहा है। आपसे फायदा है, आप उन्हें प्रॉफिट करा सकते हैं किसी चीज में, उन्हें लाभ हो सकता है आपसे, लेकिन आप फिर भी वो लाभ आप दे नहीं रहे क्योंकि आपका ध्यान उन पर है ही नहीं। कहीं ना कहीं इससे दिक्कतें होंगी, लेकिन फिर भी आपके लिए ठीक रहेगा। दोस्तों यह था लव राशि का। अब जानते हैं तीन राशि के नाम। पहली राशि है वृषभ राशि, दूसरी राशि है वृश्चिक राशि और तीसरी राशि है मकर राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके हैं तो आपके लिए महीना काफी अच्छा है, काफी अच्छा रहेगा। दोस्तों यह था लव राशि फल। अगर आपको लव राशि फल पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।